हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सीलों का स्टडी 5.6 में। आज के इस वीडियो में देखिए आपको विलोपन विधि यानी इलिमिनेशन मेथड से आपको क्या समीकरण हल करना सिखाएंगे। आपको देखिए इस तरह से प्रश्न दिखाई देता है कि 2x प्लस 4y बराबर 10 लिखा हुआ है, या आपका क्या बोला जाता है कि पहला समीकरण है। इसी में देखिए 2x प्लस वाई बराबर क्या है, 4 लिखा हुआ है, या आपका क्या है, दूसरा समीकरण है। ऐसे प्रश्न में देखिए कैसे सॉल्व किए जाते हैं। मान लीजिए ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, ये आपका पहला समीकरण हो गया, तो हमें क्या करना है, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर लेकिन देखिए प्रश्न का सिस्टम इसी तरह से है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए एक आप क्या बटे का चिन्ह इस तरह से लाएंगे, 2x प्लस 4y बराबर 10 लिखा हुआ है और नीचे 2x प्लस वाई बराबर क्या है, 4 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर देखिए जैसे 2x लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2x लिखा हुआ है, यानी x का मान जितना यहाँ पर है वही इतना यहाँ पर भी है, तब हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। या अगर यहाँ पर 4y लिखा हो, यहाँ पर 4y लिखा हो, तो इसे आसानी से सॉल्व होगा। कब आसानी से सॉल्व नहीं होता, जैसे यहाँ पर 2x लिखा हो, यहाँ पर 3x लिखा हो, यानी ये क्या हो, बराबर ना हो, तब थोड़ा दिक्कत होता है। तो दोनों सवाल आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर यहाँ पर 2x लिखा हो, यहाँ पर भी 2x है, तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस में है, तो आप यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यानी जहाँ पर प्लस का चिन्ह है वहाँ पर आप माइनस का चिन्ह लगाते जाएंगे। यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, तो आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखिए प्लस 4 है, कोई भी संख्या के सामने कोई भी चिन्ह ना लिखा हो तो आप समझिए वो प्लस में, तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 4y है यहाँ पर, यहाँ पर नीचे देखिए आप माइनस का चिन्ह लगाओ तो 4y माइनस वाई करेंगे, यहाँ पर 3y हो जाएगा। बराबर का चिन्ह आएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3y के साथ गुणा में तो बराबर के साइड में आएगा, भाग हो जाएगा, 3 से y को काटेंगे, 3 के 3, 3 दूना 6, y बराबर आपका कितना निकल कर आ चुका है, 2 आ गया है। y का मान आपको मालूम चल गया 2 है, तो आप चाहे आप पहले समीकरण या दूसरे समीकरण में y की जगह पर 2 रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। कैसे, जैसे देखिए पहले समीकरण में रखते हैं, क्या है यहाँ पर 2x लिखा हुआ है तो 2x लिखते हैं, प्लस 4y लिखा हुआ है तो प्लस 4, यहाँ पर देखिए y क्या है, 4 के साथ गुणा में है, तो यहाँ पर 4 × y की जगह पर हमें 2 लिखना है तो 2 लिखेंगे, बराबर कितना है, 10 है, तो यहाँ पर हम बराबर 10 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 2x यहाँ पर 4 का गुणा हम 2 में करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, यानी प्लस 8, प्लस 8 को जब हम बराबर किस साइड में लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, तो 2x बराबर 10 माइनस 8 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना निकल कर आएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा, 2 से 2 1 के 2, 2 1 के 2, x बराबर कितना आ चुका है, 1 आ चुका है, यानी x का मान 1 आया है, y का मान 2 आया है, यही आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपको बताते हैं। दूसरा सवाल है देखिए, 3x प्लस वाई बराबर 13 है पहला समीकरण, दूसरा है 5x माइनस 2y बराबर 7 है दूसरा समीकरण है। तो ऐसे प्रश्न में देखिए दूसरे समीकरण में से हम पहले वाले समीकरण में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो दूसरा समीकरण है आपका 5x माइनस 2y, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x माइनस 2y बराबर क्या है, 7 है। पहला समीकरण कितना है, 3x प्लस वाई है बराबर आपका क्या है, 13 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 5x लिखा है, यहाँ पर 3x लिखा हुआ, यहाँ पर 2y लिखा हुआ, यहाँ पर y है, यानी बराबर इनका मान नहीं है। हम क्या करेंगे, इनका मान जब बराबर करेंगे तभी ये प्रश्न सॉल्व होगा। तो चाहे आप y 2 यहाँ पर अगर 2y है तो यहाँ पर भी आप 2y करिए, अगर यहाँ पर 5x है तो यहाँ पर आप 5x करिए, या तो आप क्या करेंगे, सबसे सबसे सीधा तरीका होता है, जैसे x के मान को आप बराबर करेंगे, 3 का गुणा हम 5 में करेंगे, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15x, और 5 का गुणा 3 में करेंगे, यहाँ पर भी 15x हो जाएगा। तो चलिए ऊपर सभी में क्या करना है, 3 से गुणा करना है सभी में, और नीचे क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा या 5x में करेंगे कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा, 3 का गुणा माइनस 2y में करेंगे तो 6y हो जाएगा, 3 का गुणा 7 में करेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिए 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा, 5 का गुणा प्लस वाई में करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा, 5 का गुणा हम 13 में करेंगे 65 हो जाएगा। अब हम इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए बटे का चिन्ह लाएंगे और जहाँ पर प्लस का चिन्ह है वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 15x में से 15x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 6y है, यहाँ पर माइनस 5y है, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा, 11y, लेकिन ये माइनस में रहेगा। बराबर का चिन्ह लाएंगे, 65 में से 21 को हटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस 44 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस 65 है, यहाँ पर प्लस 21 है, अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, तो 11y बराबर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा।
11 से 44 काट देंगे, 11 के 11 11 चौक 44 हो जाएगा। y बराबर आपका कितना निकल कर आ चुका है, 4 आ चुका है। y का मान 4 आ चुका है तो x का मान कितना होगा? अब जहां पर x है वहीं पर हम, सॉरी जहां पर y है वहां पर हम 4 लिख देंगे। तो चाहे आप पहले समीकरण में रख कर सॉल्व करिए चाहे दूसरे में, तो चलिए हम दूसरे वाले में ही सॉल्व कर देते हैं। 5x-2, y का मान कितना निकल कर आया है, 4 आया है। तो जहां पर y है वहां पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो यहां पर देखिए 5x-2, y की जगह पर हम 4 लिखेंगे, बराबर 7 है तो बराबर 7 लिख लेंगे। इनको सॉल्व करेंगे 5x- कितना हो जाएगा, 8 बराबर 7 आ जाएगा। तो 5x बराबर कितना होगा, -8 इधर इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 7+8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 से 15 को काटेंगे, 5 × 5 5, 5 × 15 x बराबर आपका 3 निकल कर आएगा, यानी x का मान 3 आया है और y का मान कितना आया, 4 आया है। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों टाइप के प्रश्न बताए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।